ट्रेनिंग होलिस्टिक होना चाहिए, जिसमें कि स्ट्रेंथ भी हो, इंड्योरेंस भी हो, फन भी हो, मजा भी आए, आप इंस्पायर होते हैं, ऐसा थोड़ा ट्रेनिंग होना चाहिए। जो कि हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कंपैशन इंडिया बुलेटिन। I'm Nalita Kapadia, Managing Editor of Compassion India Magazine, and today we feature Gunjan Sharma, who's a stuntman, model, and a fitness coach. He is also the founder and director of Flexible Fitness, which is based in Mumbai. He has been vegan for more than 6 years. Welcome to the Bulletin, Gunjan. Thank you, Nalita. Gunjan has been also been a raw vegan for many years, but he has adapted his diet that is more suitable for his health, and he will be talking about that today. Gunjan, please talk about your recipe for fitness, starting with your diet regime. Diet is a very important part of fitness person. So bina diet ka अधूरा है फिटनेस। सो फिजिकल फिटनेस प्लस डाइट, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। सो डाइट के लिए मॉर्निंग में जैसे फ्रूट्स मैं लेता हूँ, और फ्रूट्स ओनली फ्रूट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स, 2-3 बार भी ब्रेकफास्ट करता हूँ तो अलग अलग फ्रूट्स खाता हूँ। फिर लंच होता है, लंच में वेजिटेबल्स, सैलड, ग्रेन, नट्स, बहुत यमी फूड मैं बनाता हूँ क्योंकि मैंने सीखा है। सो ऑयल फ्री मैं खाता हूँ, सो ये एक खास बात है, विदाउट ऑयल होता है। फिर लंच में, लंच हो गया, उसके बाद डिनर के पहले मैं स्नैक्स लेता हूँ। स्नैक्स में फ्रूट्स होता है, ज़्यादातर फ्रूट्स ही होता है। और फिर लास्ट डिनर में वेजिटेबल्स होते हैं, कॉर्न होता है, और डिफरेंट डिफरेंट तरह से डिश बनाया जाता है। तो किसी एक फॉर्म से रिलेशन मेरा सिर्फ अच्छा नहीं है, मेरा रिलेशन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से है। जैसे कि मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं कैलिस्थेनिक्स करता हूँ, पार्कोर करता हूँ, जिम्नास्टिक्स करता हूँ, योगा करता हूँ, कभी कभी मैं डाइविंग करता हूँ, स्लैक लाइन करता हूँ। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म करता हूँ। और हर एक मॉर्निंग में मैं बाहर निकलता हूँ, जैसे रनिंग करता हूँ, मैं रनर भी हूँ, रनिंग करता हूँ, उसके साथ वर्कआउट 3-4 घंटे तो होता है, मिनिमम 3-4 घंटे तो होता ही वर्कआउट, कभी कभी 5 घंटे भी हो जाता है, क्योंकि मैं वर्कआउट के साथ फन करता हूँ। वर्कआउट मेरे लिए खेलने जैसा है, ऐसा है, इसीलिए ये है मेरा वर्कआउट रूटीन डेली। तो आपके एक्सपीरियंस में टेल अस व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स इन एक्सरसाइजिंग, जो लोग में अपने शायद और अपने क्लाइंट्स में और स्टूडेंट्स में एक्सपीरियंस किया है, टेल अस द टॉप 10 मिस्टेक्स। फर्स्ट मिस्टेक ये है कि लोग ये सोचते हैं कि जिम जाऊंगा तब बॉडी बनेगा, या फिटनेस का नाम जिम जाना है, जिम जा रहा हूं इसका मतलब मैं फिटनेस के लिए कुछ कर रहा हूं। तो मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। आप जिम जाने की आपको कोई, लॉकडाउन में तो जिम बंद हो गया था, और साल दो साल फिर क्या होगा कुछ लोग जानते नहीं है इसके बारे में। तो जरूरी नहीं है कि जिम जाके ही फिटनेस आप करेंगे। आप बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, आपको पता है जॉगिंग कर सकते हैं, आपको पता है कि हैंगिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, और क्रॉलिंग कर सकते हैं, बेबी क्रॉलिंग कर सकते हैं, टेबल वॉक कर सकते हैं, बेसिक बेसिक एक्सरसाइज के साथ आप खेल सकते हैं। बेसिकली आप अपना हाथ पैर चलाइए, वही फिटनेस है। अगर आप गाइडेंस चाहते हैं तो आसपास में जो कोच है थोड़ा बहुत गाइडेंस लीजिए और खेलिए। तो फिटनेस बॉडी वेट ट्रेनिंग इज द बेस्ट ट्रेनिंग, क्योंकि मैं बॉडी वेट ट्रेनिंग का एग्जांपल हूं, मैं बॉडी वेट ट्रेनिंग ही लाइफ किया। सेकंड, वेट गेन और वेट लॉस के बीच में लोग फंसे हैं कि वेट गेन, अगर वेट लॉस मेरा मतलब मैं, मेरा बॉडी वेट सही है, मैं दिखता अच्छा हूं या दिखती अच्छी हूं तो मैं सही हूं। नहीं, दिखने से नहीं, बॉडी आपका फंक्शन रियल लाइफ में जब कुछ काम करते हैं, स्टेयर पे चढ़ते हैं या कोई काम करते हैं, तब आपका पता चलता है कि आपको पता चलता है कि आपका बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, हेल्प कर रहा है या थक जाता है बहुत। तो इसीलिए
जब कोई काम करते हैं तब पता चलता है। इसीलिए फिटनेस का जो काम होता है घर में कुछ न कुछ वो करते रहिए, और वेट गेन और वेट लॉस नहीं, ये सोचिए कि बॉडी फंक्शन अच्छा कैसे कर सके, इस पे फोकस कीजिए। और जब इस पे फोकस करेंगे तो वेट गेन और वेट लॉस के ये जो जर्नी है इससे बाहर निकल जाएंगे, और ये बाहर निकलना जरूरी है सभी के। ठीक है, थर्ड है कि कोच के लिए, ये थर्ड पॉइंट है कि फिटनेस, जब कोई बहुत लोग सोचते हैं कि यार फिटनेस कोच बनो, फिटनेस कोच का लाइफ बहुत अच्छा होता है, वो सोचते हैं कि कम से कम पैसा कहाँ लगता है और कोच बन जाओ, तो याद रखिए कि कम टाइम में आप कैसे फिटनेस कोच बनेंगे, क्योंकि फिटनेस कोच को पहले महसूस करना पड़ता है, पहले सीखना पड़ता है, और डिफरेंट डिफरेंट जोन में रहना पड़ता है, समझना पड़ता है अपने आप को, एक्सरसाइज करके समझना पड़ता है अपना आप का ट्रांसफॉर्मेशन पहले कीजिए। अगर आप फिटनेस कोच बनना चाहते हैं तो सीखिए, लंबा समय सीखने में टाइम लगाइए, और जब सीख जाएंगे अच्छी तरह से फिर टीचर ट्रेनिंग कोर्स कीजिए, और उसके बाद टीच करना स्टार्ट कीजिए, ये कीजिए। क्योंकि कम टाइम में, अगर मैं चाहूंगा कम टाइम में बॉडी बनाना, तो कम टाइम में ही बॉडी खत्म भी हो जाएगा, अगर टाइम ज्यादा लगेगा बॉडी बनाने में तो ये बॉडी जाएगा ही नहीं कभी, ऐसा। सो फिटनेस कोच के लिए थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट, फिटनेस दो, ऐसा नहीं कि फिटनेस दो महीने किया और फिटनेस आपका हो गया। अगर आपके पास पैसे कम है या कम खर्च करना चाहते हैं तो पहले सीख लीजिए और उसको अपने लाइफस्टाइल में अप्लाई कीजिए, कि साइकिलिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, वार्म अप कैसे करते हैं, कूल डाउन कैसे करते हैं, ये सीख लीजिए, क्या क्या एक्सरसाइज आपको 10 12 एक्सरसाइज, 15 एक्सरसाइज, 20 एक्सरसाइज सीख लीजिए और उसको अपने आप कीजिए। फिर सोचते हैं कि अपना लेवल थोड़ा और ऊपर करूं, तो फिर जाके एक दो दिन क्लास ले लीजिए किसी अच्छे टीचर से, उसको पैसे पे कीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो इस तरह से फिटनेस को ये समझ लीजिए, फिटनेस दो महीने करके आप इसको रख नहीं सकते, ये लाइफस्टाइल में इसको लाइए, खाना पीना एक्सरसाइज लाइफस्टाइल में लाइए। तो फिटनेस को समझिए कि लाइफस्टाइल है, ना कि एक दो महीने करने के बाद छोड़ देने का है, क्योंकि फिर आप वैसे हो जाएंगे। फिफ्थ, स्ट्रेंथ, फिटनेस। आजकल क्या होता है कि जैसे कि आप देखते हैं कि कैलिस्थेनिक्स करना है मुझे, कुछ लोग बोलते हैं मुझे योगा करना है, कुछ लोग बोलते हैं कि आई डोंट लाइक रनिंग, कुछ लोग बोलते हैं मुझे रनिंग करना है, ये सारे अलग अलग एक एक पॉइंट है। अगर आप ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, स्टिफनेस आएगी और दर्द करेगा बॉडी आपको, और धीरे धीरे आगे जाकर के जॉइंट में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए नेसेसरी है कि आपका फिटनेस ट्रेनिंग होलिस्टिक होना चाहिए, जिसमें कि स्ट्रेंथ भी हो, इंड्योरेंस भी हो, फन भी हो, मजा भी आए, आप इंस्पायर होते हैं, ऐसा थोड़ा ट्रेनिंग होना चाहिए जो कि आप देते हैं और हमारे कोच देते हैं। सो स्ट्रेंथ के साथ फ्लेक्सिबिलिटी जरूर आप ऐड कीजिए, ये मिस्टेक बहुत बड़ा मिस्टेक है लोगों का। ठीक है, ये पांच मिस्टेक हमने शेयर किया आप लोगों से। ओके, आप कुछ आप डू रियल फील दैट मेनी ऑफ योर क्लाइंट्स एंड मेनी ऑफ द फिटनेस एंथुसियास्टिक ज्यादा ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं, शायद वो भी मिस्टेक है। बिल्कुल, स्ट्रेंथ क्योंकि वो दिखाने वाला होता है ना, शो ऑफ करने वाला सिर्फ, शो ऑफ करने वाला सिर्फ। जैसे आप लाइफ में अगर आपको होता है कि नहीं जरूरत है, फिर भी गाड़ी खरीद लिए, घर के आगे गाड़ी है मेरा, एक मर्सिडीज है, दिखाने के लिए। लेकिन दिखाने कितना दिन दिखा करके खुश रहेंगे, आपका मन खुश कैसे रहेगा, आपका मन जो आप पैशनेट है जिस काम को करने में, वो काम कर रहे हैं, दूसरों का हेल्प कर रहे हैं, तब आप खुश रहेंगे और जिंदगी खूबसूरत रहेगी। इस वजह से मर्सिडीज की वजह से खूबसूरत नहीं रहेगी। उसी तरह से दिखाने वाला कोच जो होता है फिटनेस में, उसको दिखा तो दिए लेकिन आपका बॉडी में दर्द हो रहा है और दिखाने वाला पोज आप करते जा रहे हैं, ये दर्द नहीं होना चाहिए आपके बॉडी में। और इस ये जब कब नहीं होगा, जब आप होलिस्टिक वे में अपने बॉडी को ट्रेन करेंगे। और ये ट्रेनिंग जनरली लोग करता नहीं है, दिखाने के चक्कर में रहता है, इसलिए प्रॉब्लम। आपको ऑल्सो आपने अर्लियर मेंशन किया था कि मेनी पीपल फील, जो सबसे बड़ा भूल जो लोग करते हैं वो इट्स जस्ट एन एक्सरसाइज, जो आप थोड़े टाइम पहले बोला था कि वो पॉइंट मुझे
बहुत अच्छा लगा कि इट इज मोर लाइक अ माइंड ट्रेनिंग. वो बहुत अच्छा मिस्टेक आपने पॉइंट आउट किया था. हाँ बिल्कुल. एक्चुअली एक्सरसाइज में लोग करते कैसे हैं कि एक्सरसाइज करते हैं, यस यू कैन डू इट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यू कैन डू इट टू मोर टाइम्स थ्री मोर टाइम्स, ये बोल के आगे बढ़ाते हैं. एक तरीका है, अच्छा है. लेकिन आप देखिए कि वो आदमी जो प्रैक्टिस कर रहा है वो क्यों कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है. उनका माइंड बोलता है बहुत हो गया, मैं थक गया. यानी कि माइंड पहले बोलता है. और मैं अपने ट्रेनिंग में क्या करता हूँ, मैं पहले माइंड को ही ट्रेन करता हूँ और फिर बॉडी से आउटपुट ले लेता हूँ क्विकली. क्योंकि जब उनका माइंड इधर उधर जाता है तो मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ कि माइंड को नो 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 ऐसे नहीं, ऐसे सोचो. और जब ऐसे सोचता है तो फिर रिजल्ट अल्टीमेट आता है और लाइफ ट्रांसफॉर्म होता है. सिर्फ बॉडी नहीं बनता है, उनका लाइफ बन जाता है. क्योंकि जब एक चीज करता है ना आदमी, जैसे अप्रिशिएट करने के लिए मैं सिखाता हूँ, अप्रिशिएट करो. कंपैरिजन अपना प्रोग्रेस, जो आप जहां पहले आज यहां थे, कल अगर थोड़ा सा भी ऊपर गए तो खुश हो जाओ. नेक्स्ट डे थोड़ा सा ऊपर गए, खुश हो जाओ. ये मत देखो कि दूसरे से कंपेयर मत करो, कंपेयर करो अपने पास्ट से. अच्छा, ये सब बेसिक चीज बताता हूँ. जब नया मूवमेंट आप कोई नया मूवमेंट सिखाऊंगा मैं, तो आपका माइंड करे सोचेगा मुझसे तो नहीं होगा, ऐसे माइंड बोलेगा बाय डिफॉल्ट. फिर सोचोगे एक बार करोगे और तीन बार बोलोगे कि नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा है सर. तो मैं पहले उनको सिखा देता हूँ कि नया मूवमेंट जब आता है तो आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि नया मूवमेंट है, बॉडी के लिए नया है. तो ऑफकोर्स पांच बार, तीन चार पांच बार हम इनको महसूस करने के लिए देंगे, टाइम देंगे, जजमेंट पास नहीं करेंगे. और ऐसा करने के बाद तीन चार बार में तुमको बॉडी को समझ में आ जाता है, हो जाता है. तो पहले उनके माइंड को ही मैंने रोक दिया कि ऐसा जब होगा सिचुएशन तो आप ऐसा सोचो, ऐसा मत सोचो. इसके वजह से वो उनका मूवमेंट अच्छा होता है, वो अप्रिशिएट करते हैं इसलिए वो खुश होता है. और यही नॉलेज, यही जो एक्सपीरियंस कर रहा है फिटनेस के थ्रू, यही उनके रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है. बच्चे के साथ, हस्बैंड के साथ, फ्रेंड के साथ, मॉम डैड के साथ, और उनका लाइफ, वो बहुत खुश हो जाते हैं, अप्रिशिएट करना सीख जाते हैं. कुछ स्टूडेंट मुझे बोले कि सर मैं दूसरे को तो अप्रिशिएट करती थी. एक लेडी मतलब है स्टूडेंट है, वो बोलती सर मैं दूसरे को बहुत अप्रिशिएट करती थी, लेकिन मुझे पता चला सर मैं अपने आप को तो अप्रिशिएट ही नहीं करती, अब मैं करती और मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं ये सीक्रेट है. तो ये शेयर करना था. माइंड और बॉडी दोनों कनेक्टेड है बहुत अच्छी तरह से. कुछ भी पहले माइंड बोलता है तब बॉडी करता है. इसीलिए माइंड ट्रेनिंग पहले इंपॉर्टेंट है फिजिकल ट्रेनिंग से पहले. माइंड ट्रेनिंग और फिजिकल ट्रेनिंग दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. मेरा जो टीचर है, सारे टीचर के पास ये नॉलेज है कि ये दोनों को मिला करके करता है, इसीलिए ये टीचर बहुत सक्सेसफुल है. अभी भी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द 10 फूड्स दैट पीपल मस्ट अवॉइड और द 10 मिस्टेक्स दैट पीपल मेक ऑन देयर प्लेट. ग्रेट क्वेश्चन. एक्चुअली फूड के साथ जो आदमी का रिलेशन है वो बहुत गहरा रिलेशन है, उसके मेमोरी का रिलेशन है. वो छोड़ना ही नहीं चाहता है, वो जानता भी है कि ये खाना अच्छा नहीं है. तो इसमें सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि आपका नॉलेज आपको हेल्प करेगा. क्योंकि मैं बोलूंगा कि ये नहीं खाना चाहिए तो आप नहीं छोड़ने वाले हो, कोई नहीं छोड़ने वाला है. वो छोड़ेगा कब, जब उनको नॉलेज होगा कि मिल्क क्यों नहीं पीना चाहिए, ये जो है मीट या नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, एग्स क्यों नहीं खाना चाहिए. इसका जब नॉलेज उनको आएगा तो अपने आप छोड़ दोगे. क्योंकि आप तो अपना, आप अपना फ्रेंड हो, आप अपना सबसे अच्छा फ्रेंड हो. आप अपने आप को बर्बाद होने देना नहीं चाहते हो. आज कैंसर की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है. रीजन क्या है, मिल्क नॉनवेज एग्स, इट मींस नॉनवेज एंड मिल्क प्रोडक्ट, इस दोनों में टॉक्सिन बहुत ज्यादा होता है. और टॉक्सिन जब आपके बॉडी में ज्यादा होगा तो जो डिजीज है उनको ग्रो करने में हेल्प मिलता है, जब टॉक्सिन ज्यादा होता है बॉडी में. इसीलिए जो हमारा फूड होना चाहिए वो अल्कलाइन होना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए. मिल्क प्रोडक्ट, जितना भी मिल्क प्रोडक्ट है सभी एसिडिक है.
जो नॉन वेज है पूरी तरह से एसिडिक है, एग्स ऑफ कोर्स एसिडिक है, ये तीनों चीज एसिडिक है, और एसिडिक एनवायरनमेंट में जो डिजीज होता है वो ग्रो होता है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यू नो कैंसर हो, आज बहुत डेवलप कर रहा है। उसका रीजन सिर्फ है फूड, और फूड में भी मिल्क एंड नॉन वेज सबसे ज्यादा वर्स है। मैं पिछले मोर देन 6 ईयर्स हो चुका है, मैंने टच भी नहीं किया उसके बाद, और मैं डॉक्टर के पास मुझे जाने की जरूरत ही नहीं होती है, मुझे तो फीवर भी मुश्किल से होता है, नहीं के बराबर होता है, ऐसा है। इसका रीजन सिर्फ यह है मैंने खाने के ऊपर समझा। So the top three mistakes are that no milk, no meat, no milk, and egg. No, no eggs. Eggs. Eggs के बारे में छोटी सी स्टोरी है। लोग सोचते हैं eggs खा करके मैं तो बहुत अच्छा काम कर लिया। आप सोचो एक मुर्गा या मुर्गी, उसको नेचुरल वे में डेवलप होने में 70 days, मोर देन 70 days लगता है, 70 days to 90 days लगता है, और अभी का जो मुर्गा होता है वो कम टाइम में, इट मींस 30 या 40 डेज में उनको 4 kg या मोर देन 4 kg बनाया जाता है, उनको कुछ खिला करके, वो खाना करके वो मुर्गा अंडा देता है, और वो अंडा खा करके आप सोचते हो मैं सुपरमैन हो जाऊंगा, कैसे? वो तो प्रोसेस ही गड़बड़ है कि कम टाइम में उस मुर्गा को क्या क्या मतलब केमिकल्स खिला करके उसको 4 kg का किया, उसके बाद प्रोड्यूस ज्यादा कर रहा है। उस मुर्गी के अंडे को खा करके आप कैसे सोचते हो सुपरमैन हो जाएंगे, ये तो प्रोसेस गलत है। इसीलिए मीट प्रोडक्ट और मिल्क प्रोडक्ट और एग जो है वो बहुत ही डेंजरस है हमारे बॉडी के लिए। सो नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक इन द नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक्स ये है कि नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स तो सभी जानता है फ्रूट्स ये है, लेकिन नट्स और ड्राई फ्रूट्स के बारे में ये है कि नट्स और ड्राई फ्रूट्स को दोनों को मिला करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोनों को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूस अलग अलग होता है, इसीलिए एसिड क्या वो उसको बोल सकते बोलते हैं एसिडिक फूड्स, हाँ नहीं नहीं लोग बोलते हैं ना कि मुझे एसिड स्टमक में गैस फील हो, एसिडिटी, हाँ राइट, एसिडिटी फील हो रहा है, ये हो रहा है, वो उसका कारण ये था। मेरे डैड को ना एसिडिटी थी पहले, और मैंने उनको बहुत मुश्किल से ये आमंड का मिल्क बना करके उनको पिलाया, ये कैशू नट का मिल्क बना करके पिलाया, सालों साल से था। इस बार जब घर गए वो, यहाँ से खाना खिलाया अच्छी तरह से, इस बार गए तो उनको मैंने कैशू नट दे दिया था, तो मैंने बोला जब दूध पीना हो ना इसका पीजिए, इसका पिया, उसके बाद एसिडिटी उनका चला गया, और फिर वो बोलते हैं मेरा एसिडिटी अब बिल्कुल नहीं है। मैंने बोला तो मैंने पहले बोला था कि आप छोड़ नहीं रहे थे उसको। सो नट्स, हाँ ये मिल्क पे ये डिस्कस कर लिया, जो 3 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, 4th हमारा है नट्स और ड्राई फ्रूट्स दोनों अलग अलग खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स। नट्स को आप मिला सकते हैं ग्रेन के साथ, वेजिटेबल के साथ, इसके साथ खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं उसको, किसी भी चीज में उसका डिप बना करके दे सकते हैं, लेकिन नट्स को जैसे सुबह लोग ना आमंड के साथ मैंगो खा रहे, नो, आप फ्रूट्स के साथ ड्राई फ्रूट्स मिलाइए। काफी सारे लोग ड्राई फ्रूट और नट्स में डिफरेंस नहीं जानते हैं, मतलब मिस्टेक करते हैं, उसके लिए क्लियर जानिए कि ड्राई फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स को ड्राई कर दिया गया, ड्राई फ्रूट्स बन गया, जैसे कि रेजिन, एप्रिकॉट, डेट्स, ये हुआ आपका ड्राई फ्रूट्स, और जो नट्स है वो है आमंड, कैशू नट, पीनट, ये बेसिकली नट, ड्राई कोकोनट, ये हुआ आपका नट। फ्रूट्स में टेंडर कोकोनट जो है वो फ्रूट्स में आता है। आप सुबह मॉर्निंग में जब खाएं तो ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स भी खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं, या दोनों को मिक्स कर सकते हैं। फ्रूट्स को वेजिटेबल के साथ मिक्स नहीं कर सकते, फ्रूट्स को अदर ग्रेन के साथ मिक्स नहीं कर सकते, लंच करने के बाद तुरंत बाद फ्रूट्स नहीं खा सकते। तो फ्रूट्स खाली पेट खाना चाहिए, और अगर आपने खा लिया, जैसे लंच कर लिया, उसके बाद आपको 2
और 2.5 hours के बाद ही खाना चाहिए फ्रूट्स। क्लियर? तो नट्स और ड्राई फ्रूट्स के बारे में बहुत बड़ा ये मिथ था कि ड्राई फ्रूट्स और नट्स को जानिए क्या क्या होता अलग होता है और दोनों को मिक्स नहीं करना है। नट्स को ग्रेन के साथ मिक्स कर सकते हैं लेकिन ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स को ग्रेन के साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं, उसको अलग खाना होता है। फ्रूट्स को और ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर सकते हैं क्योंकि दोनों का जाति एक ही होता है, दोनों एक ही जाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नट्स हो गया। हाँ, प्रोटीन। बहुत लोग बोलते हैं लोगों को ना क्या बताऊं, प्रोटीन कहां से मिलता है? प्रोटीन सिंपल है, नट्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, पीनट जैसे है, बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, कोकोनट है, बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, इतना काफी हो गया। और जितना भी फ्रूट्स आप खाते हो, जैसे फ्रूट्स मैंने बता दिया, नट्स बता दिया, इस सभी में प्रोटीन होता है। आप तो प्रोटीन जानते हो, कार्बोहाइड्रेट जानते हो, ये 20 कितना साल पहले ये प्रोटीन के बारे में लोग ने जाना, 40 इयर्स पहले इतना ही होगा, 30 इयर्स से ज्यादा नहीं हुआ है, 50 इयर्स ले लो, अभी आगे 10 साल 20 साल के बाद और ज्यादा रिसर्च होगा, नया नया प्रोटीन का नाम आएगा, लेकिन फिर भी नेचुरल फूड के पास, फूड के अंदर, फ्रूट्स के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। इसीलिए नेचुरल फूड खाओ, इट मींस नट्स खाइए, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खाइए, सीड्स खाइए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीड्स खाइए, पीनट खाइए, कोकोनट खाइए, सफिशियंट प्रोटीन आपको मिल जाएगा। और मैं ही एग्जांपल हूं, अगर मेरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कमजोर तो नहीं, मतलब क्या क्या करता हूं मैं। सो ये है प्रोटीन का सोर्स। और एक पॉइंट हो रहा है, एक पॉइंट हो रहा है होलसम फूड का टॉपिक, कि फूड के बारे में सिंपल अगर आपको जानना है फूड कौन सा अच्छा है, तो मैंने पहले तो बता दिया नट्स, फ्रूट्स, जो आप जनरल लाइफ में खाते हैं, नट्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, सीड्स, पीनट, कोकोनट, ये सारे चीज खाने के लिए आपका है, जो कि नेचर आपको डायरेक्ट देगा। टॉपिक हमारा यही है कि फूड जो होना चाहिए होलसम होना चाहिए, प्रोसेस बिल्कुल नहीं हो वो बेस्ट है, और होलसम फूड नेचर आपको देता है, यानी कि प्लांट बेस्ड फूड, प्लांट बेस्ड फूड इज द बेस्ट फूड, राइट? प्लांट बेस्ड फूड ही बेस्ट फूड होता है। फॉर एग्जाम्पल बकरी, जो बकरी होती है, गोट जो होती है, वो घास खाती है, और बकरी को आप खाते हो, घास पहले खाया उसने, उससे उसको मिला जो, और उसको आप खाते हो, सोचो बेस्ट क्या है, प्लांट है ना, प्लांट वो खाए ना, तो प्लांट, अगर डायरेक्ट प्लांट से आप लेते हो सब कुछ, वो तो बेस्ट फूड है ना, तो प्लांट बेस्ड फूड बेस्ट है, और नेचर जो आपको दे रहा है वो बेस्ट है। डब्बा पैक, कोई भी पैक्ड फूड बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, कुछ लोग तो बोलते हैं कि इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया गया, तो क्यों डब्बा पैक ही आपको खाना है? क्योंकि डब्बा पैक 10 दिन के लिए रखा गया है, 20 दिन के लिए रखा गया, वैलिडिटी होता है 1 month का वैलिडिटी, 7 month का वैलिडिटी, आपका नेचुरल फूड 1 दिन 2 दिन में खराब हो जाता है, उस 1 महीने कैसे रहेगा? इसीलिए फूड जो है वो नेचर के थ्रू डायरेक्ट जो मिल रहा है वो खाइए, और डब्बा पैक या फास्ट फूड इसको अवॉइड कीजिए, आपका लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, पीसफुल आप रहेंगे, बीमारी से दूर रहेंगे, और आपका बॉडी आपको बहुत साथ देगा। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं गुंजन सर जी, तो इट्स अ फैंटास्टिक समरी ऑफ द टॉप मिस्टेक्स दैट एवरीबॉडी मेक्स व्हेन इट कम्स टू फिटनेस एंड व्हेन इट कम्स टू द डाइट, फ्रॉम वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स गुंजन सर, थैंक यू सो मच फॉर सो मेनी इनसाइट्स। अभी लास्ट क्वेश्चन टू सम अप दिस होल इंटरव्यू इज, अकॉर्डिंग टू यू, हाउ डज अ वीगन डाइट हेल्प यू स्टे फिट? ओके, वीगन डाइट ही बेस्ट डाइट है बेसिकली। इसका कारण यह है कि एसिडिक, जैसे मैंने बताया कि एसिडिक मेरा जो बॉडी जो है वो अल्कलाइन ज्यादा रहता है, एसिडिक नहीं रहता, क्योंकि मैं एसिडिक फूड लेता ही नहीं,
फिर भी बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट बनता है, लेकिन वो कम बनता है। अगर ज्यादा बनता तो मुझे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम होते हैं, वो प्रॉब्लम से दूर में रहता हूँ। मैं सालों साल से मुझे कुछ प्रॉब्लम होता ही नहीं है। इसका कारण जो है वो मेरा डाइट है और एक्सरसाइज। अगर सिर्फ एक्सरसाइज रहता, अगर डाइट सही नहीं रहता तो बिल्कुल सही नहीं। इसलिए डाइट और एक्सरसाइज दोनों मेरा सीक्रेट है अच्छा स्वास्थ्य का। ये बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे। थैंक यू गुंजन सर जी, थैंक यू सो मच मिता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड वी लुक फॉरवर्ड कि आप अपने वेरी सून आप वापस आए एंड यू विल गिव मोर टिप्स एंड मोर एडवाइस टू ऑल आवर व्यूअर्स। सो थैंक्स अ लॉट गुंजन जी। यस ओके, गुड इवनिंग।